पंडित बागेश्वरी पांडेय सरस्वती विद्या मंदिर देवनगर दुग्धा बोकारो में स्वदेशी सप्ताह का समापन एवं वरिष्ठ आचार्य का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आज दिनांक 3/10/2023 दिन मंगलवार को पंडित बागेश्वरी पांडेय सरस्वती विद्या मंदिर देवनगर दुग्धा बोकारो में स्वदेशी सप्ताह का समापन समारोह के साथ वरिष्ठ आचार्य श्रीमान विभूति प्रसाद राय जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि श्रीमान विभूति प्रसाद राय श्री नंदलाल महतो आरसीएम क्षेत्रीय पदाधिकारी सचिव श्री रशिकांत तिवारी प्राचार्य श्री रामाकांत राणा अभिभावक प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा एवं श्रीमती ज्योति भारती श्री प्रेम भारती अभिभावक एट के द्वारा संयुक्त रूप से ओम भारत माता एवं सरस्वती माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन दीप प्रज्वलन से किया गया। स्वदेशी सप्ताह के समापन समारोह में श्री नंदलाल महतो जी ने कहा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आवश्यक है। आज विश्वविद्यालयों में स्वदेशी वस्तुओं के बारे में पढ़ाई शुरू हो गई है। पढ़ाई नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए करें और देश का नाम रोशन करें। स्वदेशी अपनाने से ही राष्ट्र का विकास होगा। उनके पश्चात सेवानिवृत्ति आचार्य विभूति प्रसाद राय को सचिव श्री रशिकांत तिवारी जी के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। आचार्य श्री अमृतलाल महतो एवं शशिभूषण दुबे जी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि विभूति जी एक मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के आचार्य थे। वे न केवल विद्यालय परिवार में वरन संपूर्ण दुग्धा क्षेत्र में शिक्षण विधि एवं व्यवहार कुशलता के लिए विख्यात है। कुछ दिनों पूर्व उनको दुग्धा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान प्रदान किया गया। वे एक जिम्मेदार नागरिक, सकारात्मक सोच एवं अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। प्राचार्य श्री रामाकांत राणा जी ने अपने उद्बोधन में कहा, स्वदेशी अपनाने से राष्ट्र समृद्ध बनाता है। जब अपनी देश की बनी वस्तुओं की खरीदारी होगी तभी हमारे देश का पैसा देश में रहेगा। अगर हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। धन्यवाद।